उससे भी इतना लगाव नहीं है, उसके लिए मार खा जाएंगे। काम हमारा हो गया है तो हम लोग यहाँ बीच बीच पर आए हैं, थोड़ा खाने के लिए बैठे हैं। अभी हम लोग मरीना बीच पर हैं, बहुत ही रेत है यहाँ पे। बाकी बीचेस जैसे आपने कभी गए होंगे तो यहाँ पर रेत बहुत, अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत आगे आगे तक रेत है, मतलब पहुँचने में ही आप थक जाएंगे। और मतलब जो आपको एक नॉर्मल बीच पे अवेलेबिलिटी मिलते हैं तो उससे कंपेयर टू बहुत कम है, तो थोड़ा एक लेट डाउन रहा, लेकिन ठीक है। चेन्नई का एक फेमस बीच हमने आज कवर किया है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमें समय मिलता है तो हम लोग जॉर्ज फोर्ट की ओर मुड़ेंगे, और वो एक सामने एक बिल्डिंग अच्छी है, तो खाना खा के निकलते हैं।
गाइस, हम लोग यहाँ 1.5 घंटे वेट करने के बाद अब फाइनली निकलने वाले हैं। दिन भर की थकान के साथ हम लोग आए थे सेंट जॉर्ज म्यूजियम। हमने घूमा, हमारा बॉडी 12-13 घंटा लगातार घूमने के बाद थक के फाइनली हम लोग वापस स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो चेन्नई का सफ़र अच्छा रहा, हमने अपना आँख की जाँच कराई, एक हमें कंक्लूजन मिला कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, तो वो बहुत ज़रूरी था बहुत महीने से मेरे लिए। और हमने फिर मरीना बीच हम लोग गए और इस बहुत सुंदर म्यूजियम में हम लोग आए। तो यहाँ से अब हम लोग स्टेशन की ओर चलते हैं, मिलते हैं आपसे स्टेशन में। ज़्यादा बाहर करेंगे लेके चल तो अंकित, क्या आप ये खुशखबरी कैमरा के साथ बांटना चाहेंगे, बताइए। हमारा टिकट जो था वो स्लीपर में था और अभी हमको पता चला है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद कि हमारा अपग्रेड हो चुका है फ्री में 3rd AC में। और जैसा आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये लगातार दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। पौंडीचेरी से लौट रहा था वो और चेन्नई से लौट रहा था वो। चेन्नई इज बेस्ट, तमिलनाडु हमारे बहुत लकी साबित हुआ है, तो वी वोंट फॉरगेट तमिलनाडु, TN इज द बेस्ट। आप जैसे देख सकते हैं चेन्नई का ही रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा है। बहुत कम ऐसे रेलवे स्टेशन है जो बहुत वाइड हो। मुझे जहाँ तक याद है कि हावड़ा या कोलकाता में मुझे देखने मिला था इतना बड़ा रेलवे स्टेशन। और फिर मैं आपके सामने चेन्नई को पेश करता हूँ। चेन्नई के रेलवे स्टेशन से जुड़ा है मेट्रो का बहुत सारा लिफ्ट, और अगर आप थोड़ा आगे आइएगा तो ये ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन का आपको ये सुंदर सा बिल्डिंग मिलता है, जो कि अगर आप शाम में देखें तो बहुत ही सुंदर लगता है। कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है इसका। तो इट्स लाइक डॉल हाउस, ब्यूटीफुल डॉल हाउस। सो अंकित, हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? ये एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला बिल्डिंग है, यहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग है ये, ठीक है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक भी है, जो पहले कभी नहीं देखा हमने। हाँ। ये स्काई ब्लू और पिंक को मिक्स किया गया है, बहुत ही फर्स्ट टाइम मैंने हमने ऐसा देखा है किसी बिल्डिंग में किया हुआ। और ग्रीन का भी हल्का टिंट, अगर आप कैमरे में पता नहीं कैच कर पा रहे हो कि नहीं, बट अगर आप उस जहाँ मैं उंगली कर रहा हूँ वहाँ पर आप देखें तो ग्रीन का टिंट है, वहाँ पर ग्रीन का टिंट है। तो एक बहुत ही, क्या मैं बताऊँ, एक अलग सा रंग खिलकर आ रहा है इस बिल्डिंग पे। और कैमरा जो है इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, सामने वही होता है, कुछ चीज़ आपको अपनी आंखों से देखने पड़ते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम और रियलिटी में फ़र्क होता है। तो यही बात है, निकलिए अपने फ़ोन से बाहर, घूमिए, एक समय बाद उम्र निकल जाएगा तो फिर हड्डियाँ साथ नहीं देंगी, तब तक आप अपने टिकट को साथ दीजिए और घूमने निकलिए, ठीक है। बाय बोल बाय। तो गाइस, हमारा सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम लोग ने खाना ले लिया है, मैंने लिया है चिकन करी और रोटी, और अंकित का ये चिकन फ्राइड राइस। और ये देखिए हमारे, हम अपने अपग्रेडेड कोच में 3rd AC। सो खाते हैं फिर लौटते हैं अपने घर की ओर। बड़ा अच्छा सफ़र रहा चेन्नई की, हमने कम समय में अच्छी खासी मस्ती की। और चेन्नई हमेशा दोनों बार में लकी हुआ, पौंडीचेरी से आया तब भी मुझे अपग्रेड मिला और इस बार भी अपग्रेड मिला। सो मतलब अच्छा लगता है ऐसा कुछ कुछ स्टेट आपके लिए, मतलब कोई जगह आपके लिए लकी हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में, तब तक चेन्नई आएँ, मज़ा करें, न्यू ईयर को इन्जॉय करें और बस खुश रहें।